सेंटर का जो एग्जाम बेटा 16 जुलाई को होने जा रहा है उसमें ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है पेपर से रिलेटेड, बट पेपर में पहुंचने के लिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए जिसमें कि आपका मान लो कोई कह रहा है कि बस बंद है, कोई कह रहा है कि ट्रेन रद्द है। ट्रेन रद्द मतलब कि किसी ने टिकट करवाई थी और उसके पास ईमेल आ गया है कि भैया ट्रेन नहीं जाएगी, तो उसमें क्या पेपर कैंसिल होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा या कोई अन्य रूट से जाएं, तो इन चीज़ों पे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। काफ़ी बच्चों ने कहा तो मैंने ट्विटर पे जाके, ये इसकी ट्विटर आईडी है @CHDChandigarh TRANSPORT, ये ट्विटर पे इनकी ट्वीट आईडी है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की। उस पे जाके मैंने लिख दिया कि भाई बहुत सारे रोड क्लोज हैं, बस जो है वो सर्विसेज वापस आ रही हैं बीच में से ही चंडीगढ़ से पहले, ट्रेन कैंसिल हो गई, ऐसे ईमेल बच्चों के पास आ रहे हैं। तो इस स्थिति में जो ड्राइवर कंडक्टर का एग्ज़ाम है जो 16 को होना है उसको क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए एक बार, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो रह जाएंगे एग्ज़ाम दिए बिना। ट्विटर पे आप छोटा सा ही चीज़ लिख सकते हो इसलिए इतना ही लिखा, बाकी ईमेल भी किया मैंने अभी उनको। ईमेल उनकी आईडी है बेटा आपकी ctubusconductors@gmail.com ctubusconductors, ये जो ईमेल आईडी है दोनों के लिए है, किसके लिए, आपका कंडक्टर के लिए भी और बस के लिए भी। तो इस ईमेल आईडी पे आप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या लिखा है कि जैसे रोड क्लोज हो गए, बसें वापस आ रही हैं, सिरसा की बसें पेहुआ से वापस आ रही हैं चंडीगढ़ की बजाय, ट्रेन कैंसिल हो रही हैं, तो ऐसे में कैसे जा पाएंगे वो। जो आपकी चंडीगढ़ की ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी है उसमें उन्होंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देखिए ट्विटर पे, कहीं रोड पूरा ही टूट चुका है, पानी बह रहा है, चंडीगढ़ के अंदर के ये हालात हैं, बाहर के भी ख़राब हैं, तो सिचुएशन में कैसे जाएं वो, तो ये दिक्कत आ रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और उनको लगता है कि मतलब पहुंच नहीं पा रहे, तो वो इस पेपर को कैंसिल कर सक मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं कुछ दिन आगे के लिए, जब तक सिचुएशन ठीक ना हो जाए। अब आप बच्चे हैं बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन जो फॉर्मली इनफॉर्मली जहां से भी मिल रही है वो ठीक हुई है अभी सिचुएशन ना नहीं हुई है पता नहीं है, अगर ठीक हो गई है तो आप अपनी बस या ट्रेन पकड़ के जाएं, अगर ठीक नहीं हुई है आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ही बेटा आप ईमेल करें या ट्विटर पे उनको लिखें ऐसी बात, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने बता दी, आपको ट्वीट की आईडी भी बता दी, वो तभी लिखना है जब ऐसी दिक्कत आ रही है, वाकई में आपकी बस जो नहीं जा रही, ट्रेन आपकी कैंसिल हो गई है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप ट्वीट कर दें या ईमेल कर दें, ज़रूरी नहीं है कि पेपर कैंसिल हो और वो माने, हो सकता है पेपर कैंसिल ना हो। तो आपको ये करने के बाद भी अपने प्रयास जारी रखने हैं चंडीगढ़ पहुंचने के। जो बच्चे सिरसा से नहीं जा पा रहे हैं जैसे कि पेहुआ से बस वापस आ रही है, वो सिरसा से दिल्ली आ जाएं, और दिल्ली से चंडीगढ़ आपकी ट्रेन की सेवा भी है और मेरे ख्याल से वो ख़राब नहीं होगी, और दिल्ली से आपका जो चंडीगढ़ का रूट पड़ता है वो आपका इसका भी पड़ता है, क्या कहते हैं, बसों का भी पड़ता है, और खैर एयरपोर्ट से तो है ही पर वो बहुत मुश्किल हो जाता है बाई एयर जाना, तो बस ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे भी दूसरे रूट कोई पंजाब से होकर जाते हो इनकेस तो वो कर सकते हैं। एक बेटा हम हैवी ड्राइवर बैच लेके आए हैं जिसकी क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं, कर रहे हैं 17 जुलाई से, क्योंकि 16 जुलाई को चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है, इसके बाद ही हम उस पर ध्यान देंगे, 17 जुलाई से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर ITBP की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, पूरा एकदम मेहनत करके अपना 100% देते हुए करना चाहते हैं, अगर सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टीम होगी वो इन टीचर्स की होगी, आपको हर सब्जेक्ट जो आपके GS है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और ड्राइवर पोर्शन है, और ड्राइवर पोर्शन में मेंटेनेंस भी है, तो जैसे मैं हूँ, रंजन सर है, देवेंद्र सर, बाकी जो टीचर्स हैं हिंदी के लिए हितेश सर, गोविंद सर की इंग्लिश, प्रदीप सर की साइंस, मनु मैम की स्टैटिक जी के, ये सब कुछ बेटा हम उसमें करवाएंगे, ठीक है। अभी एक एग्ज़ाम फोकस पे है, पहले कई एग्ज़ाम थे, तो इस एग्ज़ाम में हम बेहतरीन कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को जो है ना पूरा जोर लगाते हुए बच्चों को सिलेक्शन तक पहुंचा पाएं। तो इसमें बेटा कोशिश कर सकते हो, ऐसी भर्तियां इलेक्शन से पहले एकदम ये सारी ड्राइवर की आई थी, ऐसी किसी एक साल में नहीं आती जैसी 2023 में आई थी। मैं कहता हूं इसी में पूरा जोर लगा लो, चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी के साथ जुड़ के पढ़ लो, ऐसा मौका आपको 2024-25 में नहीं मिलेगा कि इतनी वैकेंसीज दोबारा आएँ।
खैर ये वैकेंसीज भी आपको पता है कितने सालों बाद आई हैं, 2018 में आई थी, उसके बाद 23 में आई है आईटीबीपी की, इसलिए कह रहा हूँ। इसके अलावा बेटा चंडीगढ़ ड्राइवर भर्ती का, खैर ये तो एग्जाम ही है, ठीक है, और वाइवा से रिलेटेड अगर आपको पेपर देना है कल को, ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस ड्राइवर का वाइवा हो या और किसी एग्जाम का वाइवा हो, सीआरपीएफ है, एमईएस ड्राइवर है, तो हमारे एक वाइवा कोर्स भी है जिसमें आपकी सारी समस्याओं का हल है। रंजन सर ने मेंटेनेंस का और मैंने ट्रैफिक का उसमें पढ़ाया है, हमने लगभग 50 क्लासेस ली हैं उसमें, और जूम से भी हम वाइवा जो लेते हैं संडे को, ठीक है, ताकि आपसे पूछे क्वेश्चन और आपको जो नहीं आ रहा है वो बताएं। तो ऐसा एक हमने थोड़ा यूनिक सा कोर्स निकाला था, तो ये भी आप देख सकते हैं बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर आपको मान लो कोई ड्राइविंग सेंटर पे मिलना चाहता है मुझसे, ड्राइविंग से रिलेटेड क्यूरी है या आपकी कोई कागजों की क्यूरी है, कोई भी बात करनी है आपसे मुझसे मिलने के लिए, तो बेटा मैं हर संडे जाता हूँ नोटबुक वैष्णो ड्राइविंग सेंटर पे, ये लोनी के पास, मतलब गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में है। आप चाहें तो मुझसे मिल सकते हैं, आप कहीं भी ड्राइविंग सीखें आप मुझसे आके मिल सकते हैं, मेरे से आपका कोई सवाल हो तो, ठीक है, वहाँ मैं बेटा 2-2.5 घंटे रुकता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, इस चंडीगढ़ जो एग्ज़ाम है इसको लेकर आप चाहे कोई भी रास्ता दिक्कत हो, आपने जाने की कोशिश ज़रूर करनी है, ये मान के मत चलें जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए, ये मान के मत चलें कि पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। और वैसे भी 13 तारीख हो गई, 16 को एग्ज़ाम है, बहुत कम चांसेस हैं पेपर कैंसिल होने के भी, तो इसलिए अपना चंडीगढ़ पहुंचने की तैयारी किसी भी रूट से आप खोज के रखें, ठीक है, और आपका पेपर अच्छा हो बेटा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। हमारी पढ़ाई जो है नोटबुक ऐप पे और फ्री पेड में, और नोटबुक यूट्यूब चैनल पे फ्री में ड्राइवर और कंडक्टर के एग्जाम के लिए रोज क्लासेस चल रही हैं। आज भी मैराथन क्लास है रंजन सर की मेंटेनेंस और फर्स्ट एड की, आप इन क्लासेस को लगाएं, नोटबुक ऐप पे जाके मॉक भी लगाएं और अपना जितना टाइम बचा है उसमें पढ़ते रहें जब तक आपका पेपर हो, ठीक है। भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।